हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग पहाड़ी। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 10। आज जो है मेरी क्लास 12 बजे है, तो 11 बजे जो है बस आती है, 11 बजे बस आएगी। 10 नहीं बजे, सॉरी 10 बोल दिया मैंने, 10:30 कुछ हो गया टाइम, 11 बजे बस है। तो अभी मैं नहा नहा के आया था, अभी बस कपड़े वगैरह पहने थे, बाल वगैरह कुछ नहीं, मैं अभी तेल वगैरह लगाने को रहता है, तो सोचा कि उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाया है भिंडी की सब्जी और चपाती, और साथ में ही शाम की तैयारी करके रख रहा हूँ। अभी से ही शाम को बनाऊंगा आज मैं राजमा। तो मैंने ये पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, राजमा भीग जाए इसमें, और फिर शाम को आके सिर्फ सीटियाँ लगानी है दो चार, और फिर राजमा जल्दी पक जाएगी। तो इनको भी गोने को डाल के रख दिया है मैंने। बाकी अब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी चलते हैं, देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है क्या नहीं। तो अब आपसे मिलते हैं तैयार होने के बाद या फिर यूनिवर्सिटी में। तैयार वगैरह हो गया हूँ, आज ज़्यादा तैयार होने का मन था नहीं, तो घर के कपड़ों में ही जा रहा हूँ। तो अभी मैंने अवंतिका को कॉल किया था कि मुझे बताना जब बस 0 पॉइंट पहुँच जाएगी तो मैं उसके बाद ही रूम से निकलूँगा। तो उन्होंने कहा कि बस आ गई है, तो मैं भी चलता हूँ पार LR के पास के लिए, फिर वहाँ से बस लूँगा, वो चलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताना था कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले मेरे चैनल का नाम था कटोच के ब्लॉग्स, और अब मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया है बीइंग पहाड़ी। आप लोग देख लेना, कई बार होता है ना कुछ लोग सर्च करते हैं कि कटोच के ब्लॉग्स, तो फिर अब से आपको कटोच के ब्लॉग्स में भी शायद मिल ही जाएगा मेरा चैनल। काफ़ी टाइम से मेरा उसी नाम से था, बट मैंने चेंज करके बीइंग पहाड़ी कर दिया है। आपको ये नाम कैसा लगा, कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी चलते हैं, ऐसा ना हो कि यहीं पे बात करते करते मेरी बस छूट जाए। तो चलो, और आज का मौसम दिखाऊँ तो, अरे यार कॉपी गिर गई। ये सब भी होता है, सब कुछ करना पड़ता है ट्राई। तो आज का मौसम है कुछ इस तरह का, बादल बादल वाला है पूरा आज। पहुंच गए थे हम लोग, हाय स्नेहा, और हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी को कार्ड में। मतलब इस सेमेस्टर पहली बार जा रहा हूँ मैं कार्ड में। मैं तो जा चुकी हूँ। ये रहा यूनिवर्सिटी का मेन गेट, और हम लोग ना उल्टे बैठे हैं हम लोग। हाय दोस्तों, अच्छा लग रहा है कैंपस जाते हुए ऊपर। नहीं तो हमारे को ये सारी चढ़ाई चढ़नी पड़नी थी आज, और आज बढ़िया हो गया कि हम अपनी क्लास तक बढ़िया जाएंगे कार्ट पे बैठते हुए, अच्छा लग रहा है। नहीं देखो, ये खड़ी चढ़ाई हमको डेली चढ़नी पड़ती है, और इसमें सांस अड़ रुक जाती है डेली चलते चलते। देखो ये वाली कार्ट है यूनिवर्सिटी में, ये वाली कार्ट चलती है क्योंकि यहाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली कार्ट चलती रहती है यहाँ पर। और देखो इतनी चढ़ाई हम चलते हैं डेली, और आज बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया बारिश भी हो रही है और हमको कार्ट करना पड़ा। ये देखो, वाह 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 वाह। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। या या, हाउ आशुतोष? लंच टाइम हो गया है, और तो क्लास सुबह से क्लासेस हो गई हमारी, अब लंच के बाद है तो, और साथ में आज बारिश भी हो रही है। सुबह मौसम ख़राब था ना, और इस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मतलब इस टाइम पे पूरा धूप वाला मौसम रहता था, और इस बार जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉनसून अब स्टार्ट हो रहा है। अब लग रहा है कि मॉनसून अब जाके स्टार्ट हुआ है, मॉनसून के टाइम में लगा नहीं कि मॉनसून था, और अब लग रहा है कि मॉनसून है। और सारे इस टाइम पर वहाँ खड़े हैं, अब हाँ डिस्कस हो रहा है कि कहाँ जाना है खाना खाने, कहाँ नहीं जाना है, तो बस वही हो रहा है डिस्कस। यहाँ पर बारिश हल्की हल्की हो रही है, और इस टाइम पर क्राउड कितना ज़्यादा है, लंच टाइम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर। नेस्कैफे के पास तो ज़्यादा ही है, और बारिश के बाद तो बहुत सही रहता है ये सब। और यहाँ देखो अनार में फूल आए हैं, ये पता नहीं कब के लिए आ रहे हैं, बट अनार में फूल आए हैं। यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि आज अवंतिका और अंशुल, अंशुल अवंतिका आप पार्टी दे रहे हो आज? हाँ। इनका जो है पिछले मंथ सितंबर अगस्त में बर्थडे था, जुलाई में था, जुलाई तब की पार्टी पहनने गए। सॉरी माय मिस्टेक, जून जुलाई में इनका बर्थडे हो गया, लेकिन पार्टी आज दे रहे हैं ये। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था, बट वही था कि कभी कुछ जून जुलाई में हम इंटर्नशिप पे थे, तो अभी इनकी पार्टी पेंडिंग थी, और अगस्त के महीने में कुछ ऐसे ही थे, सेटल डाउन हो ही रहे थे, और फिर इन्होंने आज डिसाइड की चलो आज पार्टी देते हैं, कल डेली डेली हो रहा है, तो अभी डिसाइड हो सारे चलते हैं फ्रेंड्स कॉर्नर को, और फिर वहाँ पर ये पार्टी दे रहे हैं आज। आज का लंच इनकी तरफ से है,
हमारा जो है प्लान चेंज हो गया है, बर्थडे अब नेक्स्ट वीक लिए से पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि अखिलेश कनक वगैरह कनक शगुन और भी खाना खा कर आए हैं, तो उन्होंने बोला कि आज तो हम क्योंकि पेट भर के खाना खा के आए हैं, तो फिर हमारा फिर से प्लान चेंज हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़े बहुत 4-5 सेंट्रल मेस को, वहीं पे कुछ खाएंगे। मैं सुबह के पास ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, मेरे को भूख नहीं है, वैसे कुछ हल्का फुल्का देखूंगा या फिर खाऊंगा, इन्हीं के साथ ऐसे ही बैठ जाऊंगा। तो चलो चलते हैं। पूरी मेस भरी पड़ी है, एक भी बेंच खाली नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अब चोरी हो रही है पुदीने की, दिखा कितनी चोरी की है, ये देखो इसको पुदीना चाहिए था और यहाँ हमें मिल गया पुदीना। सेंट्रल मेस के बाहर ही पुदीना लगाया है, तो यहाँ से इसने चुरा दिया पुदीना। सिर्फ व्यू दिखाता हूँ आपको एक बार, कितना सही आ रहा है इस टाइम, ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है। गली वाले कोई फूल लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये वाले फूल। फूल तो यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है, और हम लोग लगता है आज लंच के लिए पूरा दिन भटकने वाले हैं, तो सेंट्रल मेस गए, वहाँ पे काफ़ी रास्ता है। अब हम लोग वहाँ से जा रहे हैं फ्रेंड कॉर्नर के लिए, वहाँ पे कुछ खा लेंगे और उसके बाद फिर वापस ये चढ़ाई चढ़ के वापस आना पड़ेगा ऊपर को। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, अब हमें यहाँ भी वेट करना पड़ेगा। आज की हाँ अच्छी नहीं है, लंच टाइम है ना, तो सारे में क्राउड ही क्राउड बहुत ज़्यादा है। हेलो, हमारा लंच आ गया, मैंने तो थुक्का मंगवाया, मिक्स थुक्का, छोले भटूरे, फ्राइड राइस, छोले चावल, और ये पी रहे स्प्राइट माउंटेन ड्यू, ये लंच नहीं कर रहे हैं। और तो 2% हमारी क्लास थी, बट वो क्लास कैंसिल हो गई है, टीचर ये अलॉट नहीं हो रहा है हमारे को, मैम जो है छुट्टी पे गए लॉन्ग वेकेशन पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो दूसरा टीचर हमारा अलॉट हो नहीं रहा है, और अब हम वेले हैं, हमारे क्लास 4:30 बजे है और अभी 2:30 बजे है, और मेरे को इतनी नींद आ रही है, स्टैंड उठा दीजिए ना, लंबा पड़ गया क्लास में। और यहाँ पे ये देखो इनका मजाक चला है क्लास में, वरुण सर बना है इस टाइम पे और स्नेहा की क्लास ले रहा है। आज क्लासेस जो है शाम को 5:30 फ्री हुए हैं, काफ़ी टाइम के बाद, पूरा दिन आज कॉलेज में था, 5:30 फ्री हुए, और इस टाइम देखो छुट्टी का टाइम है, सारे स्टाफ वगैरह घर जा रहे हैं, तो इस टाइम तो काफ़ी रश ही होता है, देखो कॉलेज बस उस तरफ को भी है, तो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ को, सरकारी बस आती है इस टाइम पर, सरकारी बस में जाएंगे बढ़िया, क्योंकि प्राइवेट बसों में बहुत ज़्यादा रश रहता है। और ये हमारा MBA डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, अभी नया ही बना है MBA वालों का है, बाकी AI एंड फ्यूचर सेंटर है शून्य यूनिवर्सिटी का, ये वैसे ही है, MBA वालों क्लासेस भी लगती है यहाँ पे। शाम का टाइम है और अभी जो है 7:00 बजे है, तो 6 बजे मैं रूम पहुँच गया था, उसके बाद फिर मैंने दाल लगाई सीधे ही कि उतने में पक जाएगी दाल, तो मैंने चढ़ा दी थी और फिर खुद थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गया था, फिर सोचा कि चलो अभी झाड़ू वगैरह मार लेता हूँ, और फिर झाड़ू मारा और मैंने बाहर देखा कि बाहर अंधेरा हो गया है, और इस टाइम पर बादल कैमरे में अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन जले जले है पूरे बादल, अच्छा लग रहा है, तो दाल मैंने बंद कर ली थी, अब चेक करते हैं ज़रा पक्की की नहीं पक्की, फिर तड़का मारेंगे। और आज फुल डे था यूनिवर्सिटी में, तो हालत ख़राब हो गई मेरी, अब देखते हैं दाल बनी है कि नहीं बनी है, अभी तक मैंने चेक नहीं की थी, एक मिनट बढ़िया पक्की है दाल, बस अब तड़का मारूंगा और फिर दाल बन जाएगी, और एक तरफ को चावल डाल दूंगा। खाना खाने का टाइम हो गया है और ये देखो हमारे लिए खाना आ रहा है अच्छे से ना, सलाद सलूद काट के बढ़िया, घी कौन देगा। तो ये सब्जी सुबह की बची थोड़ी बहुत, फिर मैंने सोचा कि इसको खा ही लेता हूँ, क्यों वेस्ट करना, थैंक यू सो मच। तो फिर साथ में राजमा भी, तो खाना वगैरह यही निकालता है, बर्तन वगैरह माँजता है, मेरा काम है खाना बनाने का, बाकी काम इसका है। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे, इसके बाद फिर आज सोच रहे हैं कि मूवी देख लेते हैं रात को, बहुत टाइम से मूवी वगैरह नहीं देखी थी, तो आज सोच रहे हैं कि मूवी देखते हैं, तो
23,000 पहले मूवी दिखा रहा है कि नहीं। कल इसने बोला था कि आपको आज मूवी दिखाऊंगा, अब देखते हैं। अर्जुन इधर आ, क्या मूवी दिखा क्या आप? अच्छा ये फालतू बकवास, क्या आप मूवी दिखा रहे हो आज? कौन सी देखी? हॉरर तू ही डरेगा लास्ट में, फिर रोते रोते पिछली बार की तरह। अच्छा अब अचानक से कोई पीछे से आए, मैंने दरवाजा खुला रखा था और मैं किचन में काम कर रहा था और दबे पांव आया और डरा, तो डरेगा ना इंसान? तो चीख नहीं लेगी फिर अगर कोई ऐसे डरा दे तो। हम आज देखेंगे हॉरर मूवी आराम से, आज कोई काम धाम नहीं है, और फिर कल तो बताऊंगा आपको कौन डरा कौन नहीं, यही डरेगा वैसे। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट।